आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 21 क्वेश्चन की जो कि हाईवे कंस्ट्रक्शन के इंटरव्यू में आप सभी लोगों से पूछे जाते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि आता है कि व्हाट इज आईआरसी। देखिए आईआरसी मतलब होता है इंडियन रोड कांग्रेस, जो कि 1934 में एस्टेब्लिश हुआ, फाउंडेड हुआ, और इसका काम बेसिकली क्या था कि टेक्निकल बॉडी है जो कि हाईवे कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स को रेगुलेट करता है कि भैया उसमें स्टैंडर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, डिजाइनिंग किस तरह से किया जाएगा, जो एक्सपर्टीज है, लेटेस्ट अमेंडमेंट है, रिविजन्स है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है उसके बारे में आईआरसी क्या करता है, इन सब चीज़ों को बनाता है, जो कि 1934 में बनी हुई एक बॉडी है। तो आईआरसी मतलब इंडियन रोड कांग्रेस एक समूह है बेसिकली जो कि हम इंजीनियर्स के लिए काम करता है और नई नई टेक्नोलॉजी हमारे तक पहुंच पाती हैं, इसको बोलते हैं आईआरसी। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है यहां पर कि व्हाट इज विड्थ ऑफ द शोल्डर एज पर आईआरसी, कि इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से एक स्टैंडर्ड, जैसे हमने बात की थी इंडियन रोड कांग्रेस की कि वो एक स्टैंडर्ड डिजाइनिंग की बात करता है, वहां पर हमें लेटेस्ट रिविजन प्रोवाइड करता है। तो भैया इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से जो शोल्डर है, अब देखिए शोल्डर क्या है बेसिकली, तो शोल्डर दिखाता हूं आपको मैं। शोल्डर यहां पर देखेंगे आप लोग, जैसे महाशय यहां पर साइकिल से चल रहे हैं इस वाले एरिया में, देखिए कार जो चल रही है इस वाले एरिया में चल रही है, दिस इज कॉल्ड कैरेज बे। और उसके बाद यहां पर जो एरिया बसता है, ये जो हार्ड बेस है यहां पर, इसको बोला जाता है यहां से लेके यहां तक पेव्ड शोल्डर। और उसके बाद ये जो देख रहा है मिट्टी का सरफेस देख रहे हो, इसे बोला जाता है अर्थन शोल्डर। तो हम बात करें यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो भैया ये 2.5 मीटर का, 2.5 मीटर इज द आंसर। कि जब भी बात हो शोल्डर की तो आपका आंसर होना चाहिए 2.5 मीटर का शोल्डर आपका होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द क्लियरेंस डिस्टेंस बिटवीन LVUP, BUP एंड CUP। अब बेसिकली होता क्या है, देखिए वहीकुलर अंडरपास जिससे व्हीकल पास होते हैं, LVUP मतलब लाइट व्हीकुलर अंडरपास जिसमें लाइट व्हीकल पास होते हैं, राइका बाइक कार छोटे ट्रक्स जो होते हैं बेसिकली इनको लाइट व्हीकुलर अंडरपास बोला जाता है। CUP मतलब कैटल अंडरपास, जहां से हमें कैटल्स वगैरह को पास करवाना है इसको बोलते हैं कैटल अंडरपास। एक और आता है जो इसमें नहीं लिखा हुआ, PUP मतलब होता है पेडेस्ट्रियन अंडरपास, मतलब जो पैदल चलने वाले यात्री होते हैं अगर वो उसमें से पास करते हैं तो उसको बोला जाता है पेडेस्ट्रियन अंडरपास, कि रोड के नीचे से हम पास कर जा रहे हैं। तो देखिए बेसिकली इनका डिस्टेंस होता है, जैसे कि मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा, ये जो अंडरपास देख रहे हैं ये अंडरपास आप देख रहे हैं यहां से हम पास कर सकते हैं। तो भैया यदि BUP होगा जहां से आपको व्हीकल पास करवाने पड़ेंगे उसका हाइट लगभग आपका 5.5 मीटर होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब व्हीकल अंडरपास से निकलते हैं तो वहां पर मेंशन होता है कि कितने मीटर तक का यहां पे व्हीकल पास किया जा सकता है। लाइट व्हीकल अंडरपास होगा तो यहां पर जो हाइट रहेगा वो 3.5 मीटर का होगा, लगभग 3.5 मीटर रखना है। और यदि CUP होगा कैटल अंडरपास तो यहां पर 3 मीटर का हाइट हम यहां पर मेंशन करते हैं। तो ये बात हुई थी आपके व्हीकल अंडरपास, LVUP, PUP और CUP। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एग्रीगेट फॉर एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट फॉर GSP लेयर अकॉर्डिंग टू MORTH। अब देखिए MORTH होता है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये रेगुलेट करता है बॉडीज को कि भैया आपके साइट पर कौन कौन से स्पेसिफिकेशंस फॉलो होने चाहिए, आपकी साइट पर काम कैसे होना चाहिए, ये बेसिकली हमको बताता है। तो ये बात कर रहा है कि AIB एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 40। लेकिन कैसे, यहां पर है आपका MORTH का टेबल नंबर 400/2 जिसमें आप लोग को बताया गया कि एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट फॉर GSP ग्रेनुलर सब बेस के लिए IS कोड फॉलो होगा 2386 पार्ट नंबर 4, और यहां पर मैक्सिमम लिमिट होगी 40 की, 40 से ज्यादा ना हो। इसके अलावा और भी आप टेस्ट यदि परफॉर्म करते हो तो उसके भी वैल्यूज यहां पर दिए गए। देखो ये सारे टेस्ट की बात करूं, ये सारे डिजाइन मिक्स की बात करूं, इन लेयर्स के बारे में बात करूं, इनका सर्वेइंग की बात करूं, एग्जीक्यूशन की बात करूं, यदि मैं इनके एस्टीमेट की बात करूं, बिलिंग की बात करूं, यदि डिजाइनिंग की बात करूं MX रोड से, ये सारा का सारा पार्ट अवेलेबल है। कहां अवेलेबल है, सिविल गुरुजी के ऑफिशियल एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जिसमें जाकर प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन कॉप्स फॉर हाईवे, जिस कोर्स में सारा का सारा पार्ट बताया हुआ है, MORTH पूरा पढ़ाया हुआ है आपको, आपको एक टेस्ट पूरे पढ़ाए हुए हैं, इन टेस्ट का जो रिजल्ट है मिक्स डिजाइन ये बेसिकली पढ़ाया गया है। तो देखो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे लेकिन क्वेश्चन का आंसर यहां पर तो मैं बता रहा हूं, लेकिन इसको कंप्लीट जानना है आपको बेसिकली, कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओ, हर एक काम आप साइट पर जाकर कर पाओ यदि परफॉर्म, तो ये
ये अवेलेबल है कॉप्स फॉर हाईवे। देखो कॉप्स फॉर हाईवे का पूरा डिटेल अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दिया हूं मैं, तो क्या क्या कॉप्स फॉर हाईवे में कोर्स में है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कॉप्स फॉर हाईवे की बात आगे भी करते रहेंगे, लेकिन एक्सप्रेस वे की बात करते हैं पहले। ये एक्सप्रेस वे क्या है, जिस तरह से कॉप्स फॉर हाईवे आपको आगे बढ़ा रहा है, आपको फास्ट मूविंग कर रहा है, एक 4 से 6 साल के इंजीनियर जो एक्सपीरियंस होता है उससे ज्यादा की स्किल्स प्रोवाइड कर दे रहा है कॉप्स फॉर हाईवे, सिर्फ एक्सप्रेस वे का काम भी है। कि जो फास्ट मूविंग व्हीकल होते हैं उनको स्पीड अप दे पाना, इनको जनरली एलिवेटेड बनाया जाता है कि बाहर के जो एंट्री हैं जिनके कारण एक्सीडेंट्स होते हैं वो यहां पर कम कर पाए। देखिए एनिमल्स की एंट्री यहां पर बैरियर हो जाती है, यहां पर एग्जिट एंट्री पॉइंट लिमिटेड होते हैं तो कोई एग्जिट और एंट्री पॉइंट से ही घुस पाएगा, बीच में कोई घुस के जो है एक्सीडेंट कारण नहीं बन पाएगा। नेशनल हाईवेज स्टेट हाईवेज से ज्यादा की स्पीड यहां पर प्रोवाइड की जाती है। अगर मैं बात करूं आज के समय में, अगर जो अभी नेशनल अभी एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है दिल्ली से मुंबई, वो सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे होगा, लेकिन अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो भैया आगरा से जो लखनऊ एक्सप्रेस वे है इसको सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे माना जाता है। और जनरली इस एक्सप्रेस वे की बात करूं आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे जो बना है इसको इतना स्ट्रांग बनाया गया है, इतना ड्यूरेबल एक्सप्रेस वे है कि बेसिकली रिजिड पेमेंट का तो इस्तेमाल किया गया है यहां पर, लेकिन साथ के साथ यहां पर हवाई पट्टी बनाई गई है, मतलब एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो इस पर जो है रनवे पर उतर सकते हैं, मतलब ये इतने यहां पर किफायती बनाए जाते हैं। सेम हर एक एक्सप्रेस वे को जनरली इसी टाइप से डिजाइन किया जाता है कि वहां पर एयरक्राफ्ट को उतारा जा सके इन एमरजेंसी सिचुएशंस में। ठीक है, तो रनवे का काम भी बेसिकली कर ही रहे हैं ये एक्सप्रेस वे, और एक्सप्रेस वे का काम वही कि ओनली फास्ट मूविंग व्हीकल इज लाइक अ जीप्स। और देखो कई एक्सप्रेस वे ऐसे भी हैं जिसपे बाइक्स वगैरह अलाउड नहीं होते हैं कि जो कि एक्सीडेंट के कारण बनते हैं, ऐसे भी यहाँ पर लिमिटेशंस डाल दिए जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 की डिफाइन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इसको SSD बोला जाता है। देखिए क्या है बेसिकली SSD की बात करूं, इस इमेज से समझिएगा आप कि एक कार है हमारे पास और उस कार को सामने दिखता है एक एनिमल आता हुआ दिख रहा है, तो उसका यहां पर क्या होगा, रिएक्शन होगा कि भैया ब्रेक मारने वाला रिएक्शन होगा कि ब्रेक स्टार्ट कर रहा है वो पुल करना, उसने रिएक्शन टाइम से लेके यहां तक का उसने हजार्ड देखा, मतलब उसने डिटेक्ट किया यहां पर एक एनिमल और यहां पर आके ब्रेकिंग स्टार्ट कर दिया। रिएक्शन टाइम मन में सोचा कि ब्रेक मारना स्टार्ट करता हूं, ब्रेकिंग से स्टार्ट किया और ब्रेक जहां पर जाके लगा जहां पर कार हमारी स्टॉप हो गई है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस प्लस रिएक्शन टाइम को बोलते हैं हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोला जाता है बेसिकली। तो ये था स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आज बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया, भारी मजा आएगा। और आप लोग से भी पूछता हूं एक का सवाल कि कैम्बर रिकमेंडेशन इन बिटुमिनस रोड। अब देखिए कैम्बर क्या होता है बेसिकली, आपने देखा होगा कि रोड पर जब हम चलते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि वहां पे किसी भी तरह का बारिश हो सकता है, पानी भर सकता है वहां पर ड्रेनेज के कारण। तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि एक पोजिशन पर हम क्या करते हैं, बीच वाला जो सेंटर पॉइंट होता है उसके जनरली अप कर देते हैं, जिससे क्या हो पानी जो है बीच में न जमे और साइड में होकर पास हो जाए और ड्रेन कर दिया जाए। तो हम क्या करते हैं, एक स्लोप मेंटेन करते हैं। एक स्लोप मेंटेन होगा तो वो स्लोप कितना होगा बिटुमिनस रोड के लिए, तो हम वो होता है बेसिकली 2% से लेके 2.5% के बीच का हम स्लोप जो है जनरली रिकमेंड करते हैं बिटुमिनस रोड के अंदर। तो ये बात ही कैम्बर की, कैम्बर से आपको ड्रेन करना है जिससे आपकी जो नीचे वाली बेड हैं लेयर्स हैं उस वो खराब ना हो, वो डैमेज होंगी तो भैया फाउंडेशन डैमेज होगा, ऊपर लेयर खुद ही डैमेज होती हुई खराब हो जाती है, जैसे कि आपने रोड्स पर देखा होगा जनरली ऐसा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं कि हाउ मेनी पीरियड रिजिड पेमेंट डिजाइन शुड बी डन। रिजिड पेमेंट जो होता है वो कितने समय के लिए हम डिजाइन करते हैं, चलो इसका आंसर तो बेसिकली यहां पर है 30 ईयर, कि 30 साल के लिए हम डिजाइन करते हैं, लेकिन जो ऑपरेशन होता है उस पर जो व्हीकल्स का मूवमेंट होता है वो उससे ज्यादा सालों के लिए भी होता है। ऐसा नहीं है कि 30 सालों तक ही होता है, इससे ज्यादा साल तक के लिए भी हम इसको करते हैं, लेकिन जो डिजाइन होता है वो मिनिमम हम 30 सालों के लिए डिजाइन करते हैं। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों के लिए, मैं आगे उसका आंसर बताऊंगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में रिजिड पेमेंट के लिए पूछा गया, मेरा सवाल है फ्लेक्सिबल पेमेंट को कितने सालों के लिए डिजाइन किया जाता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ मुझको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर बैग फिलिंग इन वॉटर लॉक्ड एरिया। जहां वॉटर लॉक्ड एरिया होते हैं वहां पर कौन सा ऐसा सॉइल है जिसको हमें यूज करना चाहिए, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए इस सॉइल में, तो इसका आंसर है कोहेसिव सॉइल, क्योंकि ऐसे एरियाज में कोहेसिव सॉइल को हमें इस्तेमाल करना चाहिए जहां पर वॉटर लॉक्ड की सिचुएशन बनी रहती है। अब बात करते हैं कोहेसिव सॉइल के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की, कि मिनिमम स्पेस बिटवीन एक्सपांशन जॉइंट। अब देखिए एक्सपांशन जॉइंट बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि आप ये देख रहे हो यहां पर, ये आप इस ब्रिज के अंदर एक एक्सपांशन जॉइंट देख पा रहे हो कि भैया यहां का जो लोड है वो इसी स्पान तक सीमित रहे, वो अगले में ट्रांसफर ना हो पाए।
कि इसमें किसी भी तरह का एक्ट कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आ एक्सपेंशन जॉइंट, मूवमेंट जॉइंट भी बोला जाता है इसको। ये एक ऐसा हम इसको डिजाइन करते हैं दोनों अलग अलग पार्ट में कि जब भी लोड होता है वो यहीं पर एब्जॉर्ब करके ये नीचे के अपने जो फाउंडेशन है अपने पियर्स वगैरह हैं उनको जो ट्रांसफर करके नीचे भेज दे, अगले स्पान पे वो ट्रांसफर ना हो पाए, इसलिए हम यहाँ पर एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। तो एक एक्सपेंशन जॉइंट से दूसरे एक्सपेंशन जॉइंट की दूरी क्या होनी चाहिए, बेसिकली ये सवाल पूछा जाता है। तो इसका आंसर है 140 मीटर मिनिमम। हम मिनिमम 140 मीटर का स्पेस रख सकते हैं, इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम स्पेस ना हो किसी भी एक्सपेंशन जॉइंट को प्रोवाइड करते पर। तो ये तो एक्सपेंशन जॉइंट। सेम इसी से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है डबल बार में कि डबल बार आप क्यों प्रोवाइड करते हो पीक्यूसी में। पीक्यूसी मतलब पेमेंट क्वालिटी कॉन्क्रीट, बेसिकली हम प्रोवाइड करते हैं रिजिड पेमेंट में, रिजिड पेमेंट जो हमारी लेयर्स होती है उसमें हम प्रोवाइड करते हैं। तो देखो अगर हम डबल बार की बात कर रहे हैं, डबल बार का काम है कि जो एक्सपेंशन जॉइंट टू ट्रांसफर व्हील लोड टू एडजेसेंट स्लैब, कि एक स्पान दिख रही है आपको ये, यहाँ पर देखो ये डबल बार दिख रही है कि दूसरे स्पान में क्या करते हैं हम यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं लोड को। तो ये काम करता है आपका डबल बार बेसिकली, कि डबल बार होता है शॉर्ट स्टील बार डेट प्रोवाइड अ मैकेनिकल कनेक्शन। देखो यही आंसर देना है, मैकेनिकल कनेक्शन का काम करता है बिटवीन स्लैब्स। अब देखिए बाजू में एक और स्लैब आएगा, इससे आगे एक स्लैब आएगा, बेसिकली जैसे आपको यहाँ पर जॉइंट दिख रहा होगा तो बाजू वाले स्लैब को जॉइन करने का काम करेगा डबल बार। के बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 12 की, टाइप्स ऑफ कैम्बर। अब देखिए कैम्बर अभी हमने बात की थी कि कैम्बर का काम होता है कि ऊपर वाले बीच वाले पोर्शन को थोड़ा सा उठा देना रोड के, जिससे वाटर क्या हो रहा है ड्रेन हो जाए। अब ये फोर लेन रोड है तो हो सकता है अब इस तरह से ड्रेन की दिया गया हो तो हो सकता है कैम्बर साइड में भी दिया जाए, ऐसा नहीं जरूरी बीच में ही होगा, लेकिन जिस तरफ ड्रेनेज होता है हम उस तरफ स्लोप प्रोवाइड करते हैं। तो कितने तरह के कैम्बर्स होते हैं, बेसिकली तीन तरह के कैम्बर्स होते हैं। कौन कौन से कैम्बर है वो, सबसे पहला है पैराबोलिक कैम्बर। कौन सा, ये वाला। इस तरह का कैम्बर कभी आप देखो तो समझ जाना है पैराबोलिक कैम्बर है। स्ट्रेट कैम्बर कौन सा है, किस इस तरह से कैम्बर दिया जाए किसी भी रोड में तो उसे बोला जाता है स्ट्रेट कैम्बर। और किसी रोड में यदि इस तरह से कैम्बर दिया जाए जिसमें पैराबोलिक भी है और आपका स्ट्रेट भी है तो उसको बोला जाता है कंबाइंड पैराबोलिक एंड स्ट्रेट कैम्बर बोला जाता है। तो तीन तरह के कैम्बर जनरली आपके रोड कंस्ट्रक्शन में प्रोवाइड करने होते हैं। अब आता है 13th क्वेश्चन कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन OGL एंड NGL। OGL मतलब होता है जनरली ऑर्डिनरी ग्राउंड लेवल और NGL होता है आपका बेसिकली नेचुरल ग्राउंड लेवल। अब देखो फॉर एग्जाम्पल ऐसा लेवल एस ग्राउंड का वो लेवल जब आपने किसी भी तरह का मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया है और वहां पे आप लेवल ले रहे हो उसको बोला जाता है बेसिकली नेचुरल ग्राउंड लेवल। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड है उसमें किसी भी तरह का मैकेनिकल इस्तेमाल नहीं किया, मैकेनिकली लोडर JCB रोलर इसका इस्तेमाल नहीं किया है तो इसको बोलेंगे हम NGL। लेकिन यदि आपने बेड प्रोवाइड करते वक्त बेड प्रोवाइड किया वहां पर और वहां पर आपने जो है डोजर का इस्तेमाल किया, आपने JCB का इस्तेमाल किया, आपने रोलर का इस्तेमाल किया और अब आप लेवल ले रहे हो तो उसको बोला जाएगा बेसिकली OGL, ऑर्डिनरी ग्राउंड लेवल बेसिकली इसको बोला जाता है यहां पर। जैसे कि यहां पर आप जो लेवल देख रहे हो, जो लेयर देख रहे हो, ये क्या है OGL बना दी गई है, यहां पर एक बेड बिछा दी गई है और जब जो लेवल ले रहे हैं ये OGL कहलाएगा यहां पर। चलते हैं 14th क्वेश्चन पर और 14th क्वेश्चन यहां पर आता है कि व्हाट इज द मिनिमम राइट ऑफ वे शुड बी अवेलेबल फॉर 4 लेनिंग और 6 लेनिंग प्रोजेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने रोड देखे होंगे 2 लेन के भी होते हैं, 4 के भी होते हैं, 6 लेन के होते हैं। तो हमें सवाल पूछा जा रहा है आपसे 4 लेन के रोड के लिए या 6 लेन के रोड के लिए कितना राइट ऑफ वे होना चाहिए। राइट ऑफ वे मतलब आपका अधिकार कितना है। जब हम किसानों से जमीन अधिग्रहण करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, तो आप क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते जितना बड़ा रोड बनाना है उतने एक्विजिशन करें, हम थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं। तो आप 4 लेन रोड बनाओगे तो आपका कितना विड्थ होना चाहिए रोड का बनाने के लिए। अब ऐसा नहीं है पूरे में बन जाएगा, थोड़ा स्पेस हम छोड़ देते हैं आगे के एक्सपांशन के लिए कि भैया आगे हो सकता है और लेन हमें बढ़ानी पड़े, इसलिए पहले से हम एक्विजिशन कर लेते हैं। तो अगर 4 लेन होगा या 6 लेन होगा तो भैया आपको 60 मीटर का विड्थ रखना पड़ेगा अपने राइट ऑफ वे के लिए कि भैया यहां पर रोड तो इतना ही है लेकिन राइट ऑफ वे कहां तक है, यहां तक जहां पर हाउस बना हुआ है, यहां पर हाउस बना है, यहां तक क्या है हमारा जमीन का अधिकार है, राइट ऑफ वे है बेसिकली। तो IRC SP 84/2014 और IRC SP 87/2013। देखिए IRC मतलब इंडियन रोड कांग्रेस, SP मतलब स्पेशल प्रोविजंस होते हैं बेसिकली, ये इसका कोड नंबर और ये इसका पब्लिश ईयर होता है बेसिकली 2014 या 13 ही क्या इसका पब्लिश ईयर, किस ईयर में पब्लिश किया गया। तो राइट ऑफ वे 4 लेनिंग और 6 लेनिंग के लिए 60 मीटर होता है। मेरा सवाल आप लोगों से है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ अगर 2 लेन का हमें रोड बनाना है तो राइट ऑफ वे कितना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15th क्वेश्चन की, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैरेज वे। अभी कैरेज वे क्या है, देखिए कैरेज वे बेसिकली आप यहां पर देखिए रोड है ये, इस रोड में यहां से लेके इस वाली व्हाइट वाली कलर की पट्टी से लेके यहां तक जो व्हाइट कलर की पट्टी दिख रही है आपको और बीच में सेंटर लाइन की मार्किंग दिख रही है आपको, रोड का सेंटर है ये, इसमें हम क्या चला पाते हैं अपने व्हीकल्स को मूव कर पाते हैं, व्हीकल्स को चला पाते हैं बेसिकली। तो इस वाले पोर्शन को बोला जाता है कैरेज वे।
तो कैरेज वे क्या है, ये विड्थ ऑफ द रोड है जहां पर हम अपने ट्रैफिक को मूव कर पा रहे हैं, ट्रैफिक मतलब व्हीकल को मूव कर पा रहे हैं, उसको बोला जाता है कैरेज वे। तो ये बात थी कैरेज वे की। 16th क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी चार पांच क्वेश्चन और बचे हुए हैं उन्हें और देखते हैं। 16th क्वेश्चन पे, व्हाई डू वी यूज टैग कोड, टैग कोड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो टैग कोड का इस्तेमाल जनरली ऐसे रोड में किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लेक्सिबल पेमेंट बना रहे हैं, और फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो आपका एग्जिस्टिंग सरफेस है, आपने एग्जिस्टिंग सरफेस पे काम कर लिया और आप न्यू सरफेस बनाना चाह रहे हो, दोनों में बॉन्डिंग करानी पड़ेगी। तो बॉन्डिंग कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों बेड के बीच में लगाना पड़ेगा टैग कोड। और टैग कोड कुछ ऐसा दिखता है कि भैया एक सरफेस यहां पे बना दी गई है, उसके ऊपर टैग कोड लगा रहा है, अगली सरफेस यहां पे आने वाली है, तो उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग करने का काम करता है टैग कोड। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली इंटरव्यूज में कि प्राइम कोड का पर्पस क्या है बेसिकली। अब देखो प्राइम कोड समझना, जैसे मैंने टैग कोड के बारे में बताया कि एक बेड से दूसरे बेड के बीच में बॉन्डिंग का काम करता है, लेकिन जब प्राइम कोड की बात आती है तो प्राइम कोड का काम है जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लेक्सिबल पेमेंट, उसमें कौन कौन सी लेयर होंगी? सबसे पहले लेयर होगी नीचे सबग्रेड की लेयर, सबग्रेड के बाद लेयर होगी जीएसबी की लेयर, सबग्रेड में मिड सॉइल है आपका, जीएसबी में आपके एग्रीगेट्स हैं, फिर डब्ल्यूएम का लेयर होगा जो कि बैट मिक्स्ड मैकेडम, जो कि आपके प्लांट से बन के आ रहा है जिसमें डिफरेंट साइज ऑफ एग्रीगेट्स पूरा बन के आ रहा है, तो ये भी एग्रीगेट हो गया, अभी मटेरियल चेंज नहीं हुआ। फिर इसके बाद लेयर आती है आपकी किसकी, बिटुमिनस की लेयर, डेंस बिटुमिनस मैकेडम। जब ये लेयर आती है आपकी, तो यहां पर क्या हो गया, मटेरियल चेंज हो गया, यहां पर एग्रीगेट का लेयर था, यहां बिटुमिन आ गया, तो एग्रीगेट और बिटुमिन के बीच में बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। तो कैसी प्रॉपर्टी रखनी, एडहेशन प्रॉपर्टी रखनी है आपको। तो प्राइम कोड का काम है दो अलग अलग लेयर के बीच में, चाहे जैसे यहां पर बेस लिखा हुआ है, यहां पर एस्फाल्टिक कोर, एस्फाल्टिक मतलब बिटुमिनस लेयर है आपकी, इन दोनों के बीच में एडहेशन प्रॉपर्टी प्रोवाइड करके इनको बॉन्डिंग करवाना, ये काम होता है आपका प्राइम कोड का। तो पहली लेयर टैग कोड से पहले प्राइम कोड की दी जाती है, उसके बाद टैग कोड लगाना होता है हमको कि टैग कोड बॉन्डिंग करेगा, प्राइम कोड एडहेशन प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा हमारे सरफेस को। सेम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सील कोड क्या होता है। ये सील, देखो नाम से समझ में आ रहा है, सील करना है इसका काम बेसिकली। जो आपकी टॉप मोस्ट लेयर होती है, जिसको हम बेड बोलते हैं, बिटुमिनस कंक्रीट बोला जाता है जनरली जिसको, जो टॉप मोस्ट लेयर होगी आपको उसके ऊपर ये बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है, इस तरह से प्रोवाइड होगा। ये टॉप मोस्ट बेड हो गई आपकी, बेड के ऊपर हम बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो आप देखो इसको, ये पेंट की तरह है बेसिकली, ये क्या कर रहा है, सील कर रहा है, एग्रीगेट के बीच में जो गैप है उनको फिल कर दे रहा है। और फिल करके फायदा क्या होगा, जैसे कि ये टॉप मोस्ट लेयर है, ये किसके कॉन्टेक्ट में, वेदर के कॉन्टेक्ट में है, यहाँ पे पानी भी गिरेगा, यहाँ बारिश भी आएगी, किसी तरह का ड्रेनेज होगा, वहां का पानी आ सकता है, खराब कर सकता है रोड को, ऑयल यहाँ पे टैंकर जा रहा है, ऑयल गिर गया, ऑयल खराब कर सकता है रोड को आपके, या यूवी डैमेज, यूवी मतलब सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो भी डैमेज कर सकती है आपके नीचे वाली लेयर को। तो नीचे वाले लेयर से बिल्कुल वाटर का, ऑयल का या यूवी रेज का कॉन्टेक्ट खत्म करने के लिए हम सील कोट लगा देते हैं। यहाँ पर सील कोट का यही काम है कि भैया जितना भी पार्ट यहाँ पर ऊपर आ रहा है लिक्विड फॉर्म में या यूवी रेज में, वो नीचे के लेयर्स में ना पहुंच पाए और हमारी रोड क्या रहे, सेफ रहे। तो इसलिए सील कोट देना भी बहुत ज्यादा, प्रोवाइड करना बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये काम होता है आपके सील कोट का, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा भी है कि एक प्रोटेक्टिव कोटिंग की तरह काम करता है आपके एस्फाल्ट बेस्ड पेमेंट के ऊपर, जो कि प्रोटेक्शन करता है आपके किन से, वाटर से, ऑयल से और यूवी डैमेज से। तो ये काम होता है आपके सील कोट का। जितने लोगों को नहीं पता था सील कोट का एक काम, कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखना, मैं जानना चाहता हूं कौन कौन से इंजीनियर है, और अपना लोकेशन जरूर लिखना, मैं जानना चाहता हूं कौन सी लोकेशन तक मैं आप लोगों तक पहुंच गया हूं। चलिए 19 क्वेश्चन की बात करते हैं, और 19 क्वेश्चन आपको यहां पर इंटरव्यूज में जरूर पूछा जाता है कि हाउ मेनी पीरियड फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन शुड बी डन, जो कि मैंने कमेंट सेक्शन में आप लोगों से कमेंट क्लिक करने के लिए बोला था। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइन मिनिमम 15 सालों के लिए किया जाता है, लेकिन ऑपरेशन उससे ज्यादा चलता है, लेकिन 15 साल के लिए हम इसको क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट को, जबकि रिजिड पेमेंट को डिजाइन किया जाता है 30 सालों के लिए। ये बात हुई 19वें क्वेश्चन की, और 20th क्वेश्चन अब जो पूछा जा रहा है कि इन टैग कोड और प्राइम कोड, टैग कोड करने पे या प्राइम कोड करने में विच टाइप ऑफ इमल्शन इज यूज्ड एज पर मॉर्थ का जो फिफ्थ रिवीजन इज लेटेस्ट रिवीजन फॉर मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। आप पूरा जानना चाहते हो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को, तो सिविल गुरुजी का कॉप्स फॉर हाईवे कोर्स आप लोग के लिए अवेलेबल है, ठीक है। सिविल गुरुजी एंड्रॉइड एप्लीकेशन 9100-1234 नंबर दिख रहा है आपको, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप। अब देखिए इसके लिए टैग कोड की बात करें तो RS1 टाइप इमल्शन चाहिए हमको, और प्राइम कोड के लिए हमें SS1 टाइप इमल्शन बेसिकली हमें रिक्वायर्ड है। ऐसे बैरल्स में आता है बेसिकली, जो बैरल आप देख रहे हैं इन जैसे बैरल्स में बेसिकली ये आता है आपके RS1 और SS1। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास का, जो कि होने जा रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ एक्सकवेटर हैविंग 1 meter cube बकेट, मतलब एक JCB है जिसका बकेट जो है उसका वॉल्यूम है 1 meter cube, तो वो एक घंटे में कितना आउटपुट दे सकता है आपको, तो वो 60 m³ per hour का काम आपको करके
दे सकता है एक घंटे के अंदर। तो देखिए ये जेसीबी, इसका जो बकेट की बात करें हम इसकी बात किए थे, ये कितना आउटपुट देगा आपको एक घंटे काम करने में, तो 60 एमक्यूब तक का काम ये आपको एक घंटे में आउटपुट दे सकता है। वेरी कर सकता है लोकेशन टू लोकेशन, आदमी टू आदमी, मशीन टू मशीन, वेरी जरूर कर सकता है, लेकिन आंसर इज 60 मीटर क्यूब पर आवर। आज आपसे बात हुई कि 21 ऐसे क्वेश्चन की जो कि हाईवे कंस्ट्रक्शन के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने एक ब्राउचर आप लोग के लिए दे दिया है कॉप फॉर हाईवे कोर्स के लिए। आप सीखना चाहते हो यदि रियलिटी में कंस्ट्रक्शन प्रोसेस फॉर हाईवे कोर्स, तो आप डेफिनेटली नीचे जाके दिए गए डिस्क्रिप्शन और 9111021234 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इन क्वेश्चन के आंसर को इंटरव्यू में पहुंचा सकते हो, और साथ में आप इंटरव्यू के बाद किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में किसी भी साइट पर आप जाके काम कर सकते हो। देखिए आज के बाद हम हाईवे कंस्ट्रक्शन की ऐसे और भी वीडियोस में आप लोग के लिए लेकर आता रहूंगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि और ऐसे कौन से टॉपिक्स आप जानना चाहते हो मुझसे। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि करना है खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।